लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पार्टी के प्रचार की कमान संभाल ली है। और इसकी शुरुआत उन्होंने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मेगा रोड शो के जरिए की। सुनीता केजरीवाल के प्रचार में उतरने का सीधा मतलब ये माना जा सकता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते, तब तक उनकी जगह सुनीता केजरीवाल ही पार्टी के प्रचार की कमान संभालेंगी और मुख्य भूमिका में रहते हुए पार्टी के बड़े फैसले भी लेंगी। सुनीता केजरीवाल पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए प्रचार में उतरी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध भी किया गया, साथ ही दिल्ली की जनता से जेल का जवाब वोट से देने की भी अपील की गई। जिस तरह से उनको तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के लोग तैयार हो रहे हैं इस पूरे जेल का, इस तानाशाही का जवाब वोट से देने के लिए, और पूरी दिल्ली लड़ रही है। इस बीच बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए दिल्ली का सीएम बने रहने पर निशाना साधा और जनता को धोखा देने का आरोप भी लगाया। सुनीता केजरीवाल के इस पहले रोड शो में हजारों की भीड़ नजर आई, जिसे देखकर सुनीता केजरीवाल भी काफी खुश दिखीं और हाथ जोड़कर उन्होंने भी लोगों का अभिवादन किया। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के लिए किए गए इस चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी भी की, तो वहीं सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जेल में केजरीवाल का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है और उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया है। तो वहीं पार्टी कार्यकर्ता रोड शो में दिखे जन समर्थन से काफी खुश नजर आए। आज सुनीता केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद लेने आई हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए, और आप देख सकते हैं ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली के लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से इतना भारी जन सैलाब उमड़ के आया है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं, छतों पे निकले हुए हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्यार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत की जांच के लिए टीम बनाई गई है। मेडिकल टीम के सदस्यों ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे मीटिंग की। इस दौरान उनकी सेहत की जानकारी जुटाई गई और कुछ जरूरी दवाओं को जारी रखने को कहा गया। इस मेडिकल टीम को कोर्ट के आदेश पर बनाया गया है, जिसमें एम्स के 5 डॉक्टर शामिल हैं, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल से उनकी सेहत के बारे में बात की। इस दौरान तिहाड़ जेल के 2 डॉक्टर भी अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे, जिन्होंने पहले से ली जा रही दवाओं को जारी रखने को कहा और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। केजरीवाल को जेल में इंसुलिन की जो डोज लग रही थी, उसे भी जारी रखने को कहा गया। केजरीवाल के साथ डॉक्टरों की ये मीटिंग करीब आधे घंटे तक चली और 7 दिन बाद अब मेडिकल बोर्ड दोबारा केजरीवाल की सेहत की समीक्षा करेगा। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल केजरीवाल पूरी तरह से ठीक हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार का दौर जारी है, और इस बीच दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों के पास 3000 से ज्यादा फाइलें लंबित पड़ी हैं, जिससे राजधानी में विकास और प्रशासनिक काम रुक गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल को शासन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कई जरूरी कार्यों से संबंधित 3000 से ज्यादा फाइलें मुख्यमंत्री और उनके दूसरे मंत्रियों के पास पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन आरोपों को झूठा बताया और बीजेपी पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूपी में कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि आज रात होने वाली कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इस बीच सूत्रों से खबर है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का लड़ना लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि राहुल गांधी के लिए अमेठी में पूरी तैयारी भी हो चुकी है, जिसके लिए राहुल गांधी की कोर टीम अमेठी का दौरा करेगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर राहुल अमेठी आएंगे। साथ ही खबर ये भी है कि राहुल के लिए INDIA गठबंधन मिलकर प्रचार करेगा और नामांकन के बाद अमेठी में राहुल 5 दिन कैंप करेंगे। इसके अलावा हर विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है, जिसके लिए अमेठी के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। वहीं कांग्रेस नेता भी चाहते हैं कि राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़े। इसमें लगने की क्या बात है, जब CC की बैठक ही हो रही तो हमें निर्णय की प्रतीक्षा करनी थी। हमारा जहां तक आप मेरे ऊपर छोड़ते, मैं तो अनुरोध करूंगा राहुल जी प्रियंका जी दोनों चुनाव लड़ें, एक अमेठी से एक रायबरेली। दरअसल 2019 के चुनाव में राहुल गांधी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे, जबकि सोनिया गांधी के राज्यसभा से चुने जाने के बाद रायबरेली सीट पर भी फैसला नहीं हो पाया।
2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी का रुख बहुत कम बार किया, जिससे ये कयास लगाया जाने लगा कि गांधी परिवार ने अपनी परंपरागत सीट छोड़ दी है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल भी खड़े कर रही है। और बीजेपी का आरोप है कि जब से राहुल वायनाड गए हैं तब से अमेठी की जनता को छोड़ दिया। तो ये तो उसी तरह जैसे कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए। अमेठी उनकी परंपरागत सीट थी, रायबरेली उनकी परिवार की परंपरागत सीट थी और वहाँ गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कभी वहाँ जनता जनार्दन का की उनकी कुशल क्षेम भी पूछने नहीं आता। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के आरोपों का करारा जवाब दिया। जनता कहाँ पूछती है वहाँ लीडर जाते रहता है। अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कांस्टेंस मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? दरअसल अमेठी और रायबरेली में चौथे चरण में 20 मई को वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस जल्द से जल्द अपना उम्मीदवार तय कर लेना चाहती है। इधर राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर यहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और उनका कहना है कि राहुल के स्वागत की पूरी तैयारी पहले से ही है। ये पूरा संगठन, पूरा कांग्रेस परिवार और यहां की जनता इतनी उत्साहित है कि वो खुद ब खुद चुनाव लड़ रही है। हम लोग जैसे ग्राउंड पे पूरी तरह से उतर चुके हैं, ग्राउंड पे बूथ लेवल पर हर एक जगह पे एक्टिव हो गए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बात पते की ये है कि 2019 के बाद दोबारा अमेठी आने पर राहुल गांधी चाचा, पिता और माँ की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल में अमेठी में काफी कुछ बदल चुका है। बढ़ते आगे अगली खबर का हम रुख करेंगे। महिलाओं के यौन शोषण को लेकर चर्चा में आया बंगाल का संदेश खाली इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीआई की छापेमारी में यहां ऐसे ऐसे हथियार मिले जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए, लेकिन अभी तक जिस घर में हथियार मिले उसके मालिक का कहीं सुराग नहीं लग पाया, इसलिए सीबीआई की टीम ने घर के मालिक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जिस घर में हथियार मिले उसके मालिक का नाम अबू तालिब शेख है। अबू तालिब पेशे से ई रिक्शा चालक है और सरबेड़िया के उसी इलाके में रहता है जहां संदेश खाली का बेताज बादशाह शाहजहां शेख रहा करता था। अबू तालिब इलाके के टीएमसी नेता हाफिजुल खान का रिश्तेदार है और हाफिजुल खान को शाहजहां शेख का करीबी बताया जाता है। माना जा रहा है कि ये हथियार शाहजहां शेख के ही हैं, जिन्हें उसने ईडी पर हमले की घटना के बाद यहां रखवा दिए थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस कमरे के अंदर ये हथियार और बम मिले उस कमरे को अबू तालिब शेख ने करीब 6 महीने पहले ही बनवाया था, इसलिए इस बात की भी आशंका जताई गई कि शाहजहां शेख के कहने पर ही अबू तालिब ने ये कमरा बनवाया होगा ताकि इन हथियारों को आम लोगों और पुलिस की नजर से बचाकर जमीन के नीचे छिपाया जा सके। जिस घर के अंदर सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को हथियार बरामद किए वहां हमारी टीम भी पहुंची। ये घर है अबू तालिब शेख का, जो एक रिक्शा ड्राइवर है, ई रिक्शा चलाते हैं, और यही उनका बेडरूम था और इस बेडरूम में एकदम पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन थी सीबीआई के पास। जब वो यहाँ पर इस घर में सर्च के लिए आए तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ और उन्होंने यहाँ पर मिट्टी खोदना शुरू किया। तो मिट्टी खोदने के समय कुछ यहाँ पे आसपास के मिस्त्रियों को बुलाया गया और खोद के ये जो जगह आप देख रहे हैं यही पर मिट्टी खोद कर यहाँ से हथियार बरामद हुए। अबू तालिब शेख के घर से जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें 4 विदेशी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 पुलिस की कोल्ट रिवॉल्वर, 1 देसी पिस्टल और 7 असलों के साथ 348 कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिसमें 9mm के 120 और 0.45 कैलिबर के 50 कारतूस, 0.38 के 50 कारतूस और 0.32 के 8 कारतूस सहित भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआई को अबू तालिब शेख के घर से महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद शाहजहां शेख के कई परिचय पत्र भी मिले, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और हथियारों का लाइसेंस शामिल है। सीबीआई की टीम अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि रिक्शा चलाने वाले मामूली से शख्स अबू तालिब शेख के पास इतने सारे हथियार आखिर कहां से आए, वो भी विदेशी हथियार। क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर संदेश खाली से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए बॉर्डर पार से स्मगलिंग की आशंका भी जताई जा रही है। दूसरी तरफ जो सूत्रों से पता चल रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बांग्लादेश बॉर्डर के पास का इलाका है और जो हथियार यहाँ से बरामद हुआ, क्योंकि वहाँ पर फॉरेन मेड पिस्टल भी थे, रिवॉल्वर था, तो उसके लिए एनआईए की तरफ से भी इस घटना के बाद जांच किया जा रहा है।
जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये वही हथियार हैं जिनसे ईडी की टीम पर 5 जनवरी को हमला हुआ था या फिर किसी और बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये हथियार इकट्ठा किए जा रहे थे। ये हथियार किसके हैं और इनका इस्तेमाल कहां होना था, इसका पता लगाने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। हालांकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव के बीच हुई सीबीआई की रेड पर आपत्ति जताई है। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले की चुनाव आयोग से भी शिकायत की। ममता सरकार ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव खत्म होने तक बंगाल की किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी तरह की होने वाली जांच पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ ममता सरकार ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने बिना कोई नोटिस दिए वोटिंग के दिन रेड डाली, जो पूरी तरह गलत है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव के दौरान राज्य को बदनाम करने की साजिश रच रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर आतंकियों को बचाने और देश विरोधी ताकतों के साथ मिले होने का आरोप लगाया। खाली झूठा बोलते हैं, इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर मैंने कभी नहीं देखा, इतना जुमलाबाज पार्टी मैंने कभी नहीं देखा। खाली बंगाल को बदनाम करते हैं और बंगाल को बदनाम करते हैं, देश को बेचने चाहते हैं। इतने इतने हथियार मिलते हैं, ममता सरकार को तो एक तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हथियार मिलने के बाद बीजेपी अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की मांग उठा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुख करेंगे। गर्मियां शुरू होने के साथ ही एक बार फिर दक्षिण भारत पानी की कमी से जूझने लगा है। CWC यानी केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत के जलाशयों की क्षमता बहुत तेजी से घटी है। रिपोर्ट कहती है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हालात खराब है। इन राज्यों के जलाशयों की क्षमता केवल 17% रह गई है। ये आंकड़ा पिछले साल इस समय के दौरान 29% से भी कम था। यही नहीं, पिछले 10 सालों की बात करें तो इन जलाशयों की औसत क्षमता 23% थी। दक्षिण भारत के जलाशयों का घटता जल स्तर सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन में चुनौतियां पेश कर सकता है। तो झारखंड में सामने आए बर्ड फ्लू के मामले ने चिकन और अंडा खाने वालों को डरा दिया है। बर्ड फ्लू के मामले रांची के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में मिले, जिसके बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। वहीं मुर्गियों और बत्तख में बर्ड फ्लू का वायरस मिलने के बाद सरकारी पोल्ट्री फार्म होटवार में 1745 मुर्गियों, 450 बत्तख सहित करीब 2195 पक्षियों को मार दिया गया, जबकि इनके 1697 अंडे भी वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर दिए गए। राजधानी रांची के होटवार में H5N1 यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पूरा जो प्रशासनिक महकमा है वो अलर्ट मोड पर है। और हम अभी जिस जगह पर मौजूद हैं वो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी मुर्गियां, बतख या अंडे मिल रहे हैं, प्रशासन की टीम जो है उन्हें साफ तौर पर यहाँ पर लाकर डिस्पोज कर रही है। क्योंकि ये वायरस आम वायरस की तरह ही पशु पक्षियों के साथ साथ इंसानों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है, इसलिए रांची के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही वहां काम करने वाले पोल्ट्री फार्म के 2 डॉक्टर सहित 6 कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म के आसपास वाले इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बर्ड फ्लू रांची से निकलकर दूसरे शहरों में ना फैल सके, इसको लेकर भी तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। रांची प्रशासन ने मुर्गियों और बतख में बर्ड फ्लू के सबसे खतरनाक वायरस H5N1 के मिलते ही बड़ा कदम उठाया और रांची के होटवार क्षेत्र में चिकन और अंडों की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी। इसके अलावा मुर्गियों के एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं डॉक्टरों ने लोगों को चिकन और अंडा ना खाने की सलाह दी। चिकन का सेवन अगर कुक्ड है प्रॉपर वे में 70 डिग्री सेल्सियस ऊपर तो कोई ऐसा दे, लेकिन है कि सुझाव यही रहेगा कि नहीं, 1 महीना तक वो ना खाएं। रांची में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सदर अस्पताल में 10 बेड भी रिजर्व किए गए हैं। इसके साथ ही बर्ड फ्लू के संक्रमण में सबसे कारगर दवा टेमी फ्लू का ऑर्डर दिया गया है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।
आमतौर पर बर्ड फ्लू संक्रमित चिकन और अंडे के खाने से फैलता है। वहीं संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने से भी इसके वायरस इंसानों को बीमार कर सकते हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आप बर्ड फ्लू से संक्रमित हैं तो इसकी पहचान कैसे करें। तेज बुखार और गले में खराश बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। इसके अलावा अगर आपको सर्दी जुकाम और शरीर में दर्द है तो आप इसे भूलकर भी अनदेखा ना करें, क्योंकि ये बर्ड फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। वहीं छाती में कफ और सांस लेने में दिक्कत है तो ये भी बर्ड फ्लू के ही लक्षण हो सकते हैं। वहीं जो व्यक्ति बर्ड फ्लू से संक्रमित होता है उसे भूख कम लगती है। इसके अलावा नींद ना आना, हड्डी और जोड़ों में दर्द रहना भी बर्ड फ्लू के लक्षण है। अब बढ़ेंगे आगे, बात मिशन महाराष्ट्र की। मिशन महाराष्ट्र पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोल्हापुर में जनसभा की और कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दो चरणों के चुनाव में INDIA गठबंधन को झटका लगा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति ही बदल दी। कांग्रेस और NDA ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के दो सेल्फ गोल कर लिए हैं, और इसलिए ये पक्का हो गया है फिर एक बार उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, सलमान के घर फायरिंग मामले में खबर। सभी आरोपियों पर मकोका लगाया गया। मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाया, 6 आरोपियों पर मकोका लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलमान खान के घर फायरिंग मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, सभी आरोपियों पर मकोका लगाया जाएगा। मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाया है, 6 आरोपियों पर मकोका लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर, और जिस तरह से इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इसके तार कई शहरों तक, यहाँ तक कि देश के बाहर भी जुटते नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर NIA भी लगातार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, और फिलहाल अपडेट ये है कि सभी 6 आरोपियों पर मकोका लगाया गया है। Z News.